Now, corruption in Chhattisgarh is an election issue. In fact, I was there a few days ago covering the election and I met with Chief Minister Bhupesh Bhagel and asked him about the corruption charges against his government. It's the same question I also put forward to the BJP's face, its former Chief Minister, Dr. Raman Singh. Listening to what the leaders had to say. <laughs>

दिल्ली में आपके हाई कमांड में राहुल गांधी सोनिया गांधी गांधी परिवार खरगे उनके तक पहुंचता है उसके लिए भूपेश उनको पैसा देते हैं अच्छा भारत सर मतलब भारतीय जनता पार्टी रिजर्व बैंक आरोप लगा रहे हैं हम लोग एटीएम है कांग्रेस पे वो तो रिजर्व बैंक है जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो आप एटीएम तो है तो वो रिजर्व बैंक बन गए वो रिजर्व बैंक है तभी कह रहे हैं एटीएम है आपने कहा कि ये घोटालो की सरकार है कई आपने कहा कई आरोप पत्र में कई आपने आरोप लगाए भूपेश बघेल की सरकार में वो कहते हैं रमन सिंह जी से पूछिए 26000 करोड़ का जब पीडीएस घोटाला हुआ था तब की तब की बात करिए अब की बात मत करिए एक भी प्रमाण भूपेश को मुख्यमंत्री बने कितने साल हो गए पांच साल सारी ऑफिस सारे दफ्तर सारे डिपार्टमेंट सारे एसीबी सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सारा चीफ सेक्रेटरीज लेकर सारे अधिकारी पांच साल में पांच साल निकल गया डॉक्टर रमन के खिलाफ एक पैसे का भी आरोप एक पैसे का भी आरोप किसी जगह पे प्रमाणित करने की ताकत इनके अंदर नहीं है क्योंकि हमने कभी कुछ किया नहीं है कभी एक पैसे का करप्शन की बात आज डॉक्टर रमन माइंस का मिनिस्टर था माइंस डिपार्टमेंट में देखता था इलेक्ट्रिसिटी में देखता था पंद्रह साल देखा आज ये पांच साल माइनिंग डिपार्टमेंट देखे हैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो करप्शन की बात आपको साफ हो जाएगा और आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कोयले को लेकर हमने स्पष्ट कहा था कि कोयले की निकासी के लिए जो डिस्पैच ऑर्डर होता है डीओ जो निकलता है मैंने आदेश किया था अपने सरकार में रहते कि इसको हम डायरेक्ट जितने डिस्पैच ऑर्डर निकलते हैं ऑनलाइन किया जाए ऑनलाइन करने से किसी को मैनुअल वहां जाकर एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती कोयला निकल जाता है पहले दिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते हैं ऑनलाइन को ऑफलाइन किया ऑफलाइन किया आज उनका डायरेक्टर सात महीने से जेल में सड़ रहा है ऑफलाइन में पच्चीस 525 करोड़ रुपया की वसूली ये प्रमाणित दस्तावेज ईडी ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है सात सात महीने से कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है आईएएस का डायरेक्टर लेवल का अधिकारी को जो भूपेश के, के विभाग का डायरेक्टर है माइंस क्योंकि उनका कहना है ईडी का गैर इस्तेमाल हो रहा है वो कह रहे हैं ईडी का गैर इस्तेमाल अमित शाह और रमन सिंह जी ने ईडी का गैर इस्तेमाल करके हमें फंसाने की कोशिश कर तो रहे हैं है। कुछ मिलेगा नहीं मैं तो प्रमाण बता तेरह हजार पेज के दस्तावेज ईडी जब जमा करता है, न्यायालय में प्रस्तुत करता है इनके अधिकारियों को जमानत नहीं मिलती इनके पास हजार डेढ़ सौ करोड़ की अघोषित संपत्ति जब्त होती है सारे प्रकरण सारे मामले आज तो छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कोरबा में खड़े होकर पूछ लो कोल, के कोरबा कोयले में कितनी वसूली होती है तो होटल पांठेला का आदमी रिक्शा चलाने वाला आदमी बोलेगा पच्चीस रुपए प्रति टन वहां जाके जमा करना जब कलेक्टर कलेक्टिंग एजेंट बन जाए जिस सरकार में कलेक्टर के पोस्टिंग में जहां ऑक्शन होता हो आठ करोड़ दस करोड़ लेके पोस्टिंग होती हो उस सरकार की नियत और नीति की क्या बात करें